ये देखो ये अब ये इसके कट्टे को खा रहा है। अबे इसमें फीड है भाई, कट्टा नहीं खाना, इसके अंदर की फीड खानी है। ये अभी मैंने चिकन ग्रेवी लिया है इसके लिए, तो इसको खिलाएंगे आज, ठीक है। और ये ट्रेट्स होती हैं इसकी, मीट और जर्की के नाम से पेडिग्री का। और यो क्या कर रहे हो आप? और यो हाँ ये लेना है, लूँ ये, बोल कुछ। अबे जा यार, तू नींद में ही रहता है, पूरे दिन सोता रहता है, तो फिर और कोई काम नहीं है। खाएगा भाई? अरे तो अब ये इसके लिए मैंने ट्रीट ली है, ठीक है, अब ट्रीट्स इसको देंगे घर जाके आज की। Yo, what's up, public? क्या हाल चाल? So, आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर चला हूँ आप सबके प्यारे, मेरे प्यारे ओरियो को शॉपिंग कराने। तो आज सबसे पहले, ओरियो कभी बाहर नहीं गया, सबसे पहले तो आउटिंग नहीं हुई उसकी, तो मैंने सोचा चलो एक आउटिंग करवा के आता हूँ उसकी। और उसको मेरे को थोड़ा सा वैक्सीनेशन के लिए भी लेकर जाना था, तो मैं सोचा कि करनाल चलते हैं, डॉक्टर से वैक्सीनेशन करवाऊँगा और उससे बाद मैं आपको लेकर चलूँगा मेरे मतलब बड़े भाई कह सकते हैं आप, रिंकू सैनी, उनकी शॉप है, ठीक है, करनाल में। तो उनकी पेट शॉप में मैं आपको लेकर चलूँगा और वहाँ पर मैं आज इसकी शॉपिंग की जो पूरी वीडियो वो रिकॉर्ड करूँगा, तो पूरा व्लॉग देखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम यूज़र रे में देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे मुझे फॉलो करिए आप, यहाँ पे अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत टाइम से यूट्यूब पे एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता है वो कॉन्ट्रोवर्सी कौन सी है, यूट्यूब वर्सेस, नाम नहीं लूँगा। तो मैं आज वो चीज़ करने वाला हूँ जो कि टेक्निकल गुरुजी ने कल शुरुआत कर दी थी, मोबाइल सफाई अभियान। तो मैं भी उसका भाग बनने वाला हूँ, तो लेट्स डू दिस। तो सफाई अभियान के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके फ़ोन में ये ऐप है जैसे कि मेरे पास भी है, तो मैं इस फ़ोन इस पे ऐसे क्लिक करेंगे और ये जो सबसे पहला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐसे क्लिक करेंगे, तो इससे आपका फ़ोन हो चुका है क्लीन और आपको बधाई हो। तो अभी मैंने कर दिया अपने फ़ोन को साफ, तो अगर आप हमारे साथ हैं तो ये चीज़ आपको भी ज़रूर करना, और ये जरूर अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करिएगा स्टोरी में अगर आप ये चीज़ करते हैं, उसको रिकॉर्ड करके। सो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको वहाँ पर लेकर जाता हूँ, सीधा मिलते हैं रिंकू भैया की शॉप पे। फिलहाल आ गए हैं शॉप पे, तो अभी चलते हैं अंदर। तो फिलहाल मैं जैसे आपको बता रहा था कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा जाने में, और टाइम बहुत लगा है, तो मेरे को क्योंकि हमारे टाउन में जो छोटा टाउन है वहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें यू नो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए मैं आया हूँ फिलहाल करनाल, ठीक है, जो मतलब थोड़ा सा दूर है मेरे टाउन से। और ओरियो को मैं साथ लेके आया हूँ, वैसे ओरियो ने पहली बार लाइफ में इतना ट्रैवल किया, तो आज ओरियो को कराने आया हूँ शॉपिंग। ओरियो बेटा आज तेरी शॉपिंग का टाइम है, जो मन आए जो मर्जी हो वो ले, जो तेरा मन करे। तो ऐसे मैं कभी शिनचैन को कभी नहीं लेके आया, बट ओरियो का यू नो टाइम आ चुका है, अब तक मैं ब्लॉगर बन चुका हूँ, तो अब मैं आपको अंदर लेकर जाऊँगा और आज मैं जो भी इसके लिए लेता हूँ, क्या क्या यू नो आप अपने डॉग्स के लिए ले सकते हैं, स्पेशली अगर आपके पास पग है या लैब्राडोर है, तो सारी जो हमारे यहाँ के ऑनर है, ठीक है, इनकी शॉप के, उनसे हम बात करेंगे और हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि क्या क्या हम इसको डाइट दे सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम लेती है, चलिए अंदर चलते हैं। सो फिलहाल अंदर चलते हैं, तो कैसे हो भैया? मैं बढ़िया हूँ सर, आप सुनाइए, ठीक हो? तो अच्छा, आज भैया सबसे पहले आता थे सैनिटाइज करवाएंगे हैं। जी जी बिल्कुल। तो भैया तो जैसे भैया ने कहा है हैंड सैनिटाइज करना बिल्कुल जरूरी है, तो हैंड सैनिटाइज करते रहो। तो फिलहाल मैं आया हूँ भैया की शॉप पे जो कि करनाल में, एग्जैक्ट लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इनके पास ऑलमोस्ट हर एक वेराइटी है, जो भी डॉग फूड की है, यू नो कैट फूड की है, बर्ड फूड की है, जो भी यू नो इनके सिंपल इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो आज हम सारी चीज़ें जानेंगे और साथ में ओरियो भाई जो है ओरियो भाई के लिए आज शॉपिंग करेंगे। ओरियो अभी आया था, ओरियो सबसे पहले इस फीड के कट्टे को खाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ओरियो क्या कर रहे हो आप कि मैं इसको खा जाऊं? तो अभी मैं इसको नीचे छोड़ूंगा, इसका भी रिएक्शन देखते हैं कि इसको क्या पसंद है, जो इसको पसंद आएगा आज हम वो लेंगे, ठीक है। ओरियो भैया एक चीज़ हमारे को बताइए कि जैसे मेरा जो डॉग है यू नो मैंने वैसे उसको नहला दिया था क्योंकि वो गंदा हो गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसने अपने आप को जो उसकी मतलब पोटी है जो उसमें उसने उसको गंद कर लिया, तो हमारा मजबूरी नहलाना पड़ गया, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि अगर इतना छोटा डॉग है उसको नहलाएं, वरना अगर नहीं नहला सकते तो क्या करें? भैया देखो जो डॉग होता है ना उसको 3 महीने से पहले नहीं नहलाते तो उनकी स्किन अलो नहीं करती, वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए ना एक ड्राई बाथ आते हैं, ये देखो हिमालय कंपनी का फ्रेश कोट के नाम से, ये 3 महीने से पहले ना बच्चे के ऊपर स्प्रे डाइव निकलता है, स्प्रे मारोगे और कपड़ा लेके ना कपड़े से इसको स्पंज कर देना, साफ कर देना, पूरे कीटाणु गंदगी सब खत्म हो जाएगी और इसकी जो फ्रेगनेंस है अच्छी हो जाएगी। एक इसके अंदर ये आता है डक्स,
ये वाली चीज, इसमें से फोम निकलता है भैया, उसमें से स्प्रे निकलेगा, इसमें से फोम टाइप निकलता है। अच्छा, उसमें से मतलब ये ड्राई बात होती है। हाँ। तीन महीने से पहले जो हम बच्चे को नहीं नहलाते उसको करते हैं, वो चीज होती है। ठीक है जी, क्या बात है, ये देख रहे हो यार, ये मैं सोच रहा हूँ ये मैं शिनचैन को पहना दूं, पर शिनचैन की इतनी बड़ी गर्दन नहीं है, तो अगर मैं फ्यूचर में कभी अमेरिकन बुल्ली या पिटबुल कुछ ऐसी ब्रीड लूंगा ना, तो मैं जरूर ये चीज मेरे को लेनी है, बिल्कुल लेनी है भैया मेरे को। आपने मेरे को एक अमेरिकन बुल्ली दिलवाना है जिसके लिए मैं ये लूंगा। जैसे कई लोग होते हैं घर पे चिकन नॉन वेज को एंट्री भी नहीं करने देते इंडिया में स्पेशली, तो उनके लिए कोई ऐसी फीड है जो अपने डॉग को वेजिटेरियन बना चाहते हैं? पेडिग्री कंपनी का निकालती है जी, वेजिटेरियन प्रॉपर 100% वेजिटेरियन फूड होता है ये। अच्छा, वेजिटेरियन फीड भी आता है, सवा किलो तीन किलो की पैकिंग। तो ये थोड़ी कॉस्टली होती है या उससे कॉस्टली होती है? दूसरे वाली फीड से ना, जो चिकन वाली फीड होती है उससे थोड़ा सा कॉस्टली होती है। तो भैया जैसे ये बहुत सारे आपके पास चेन, बहुत सारे जैसे पूरा स्टॉक भरा हुआ है, तो ये थोड़ा मुझे आइडिया दीजिए अगर कोई डॉग इसको लेना चाहिए किस ब्रीड के लिए वैसे रहेगा सही? ये भी है जैसे लैब्राडोर होती है ना, जर्मन शेफर्ड लैब्राडोर होती है, उन ब्रीड को चलता है ये, घुमाने के लिए काम आता है बेसिकली, बांधने के लिए नहीं। बांधने में तो काट देता है डॉग इसको, घुमाने के लिए काम आता है, और इसकी कॉस्ट 150 होती है। तो वैसे आप इसको होलसेल में भी अगर कोई शॉप वगैरह करना चाहे आप अवेलेबल करा सकते हैं? होलसेल में अवेलेबल करा देते हैं, और बहुत सी शॉप्स को हम अवेलेबल करा भी रहे हैं। ओके, होलसेल में ही देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। है इतना, ये अभी सो गया था, इसको नींद भी आ गई है। भाई तो कहीं भी सो जाता है, शैतान है। देखो पेटी के अंदर आराम से बैठ के सो रहा है, इतना शैतान डॉग मैंने नहीं देखा। नहीं नहीं। तो भैया अब ये जो शैतान है ना, ये बहुत ज्यादा आजकल दांत निकाल रहा है अपने, ठीक है, और ये इसको जो मिलता है ना भाई, जो मिलता है लिटरली, ये लकड़ियाँ नहीं छोड़ता, ये सोफे नहीं छोड़ता, ये बेड नहीं छोड़ रहा, इसका बुरा हाल हुआ पड़ा है, काट काट के ये सब कुछ खा रहा है। तो उसको कोई ट्रीट्स दो इसको निकाल के ना, इसके लिए मेरे को ट्रीट्स का पूरा स्टॉक चाहिए। इसको मैंने स्ट्रीट ट्रीट्स में बता देता हूँ। क्या कह रहे भैया? ये चूस्टिक आती है इसके लिए ना, जैसे दांत निकालता है ना, इचिंग होती है दांतों के अंदर। ठीक है ठीक है। जैसे जैसे छोटा बच्चा कोई भी हो, कोई भी ब्रीड का हो, दांत निकालेगा तो इचिंग होती है, वो कुछ भी मिलेगा उसी को चबाना स्टार्ट करेगा। ठीक है। चूस्टिक होती है चबाने के लिए, च्यू करने के लिए होती है ये। ठीक है। इसी के अंदर एक बोन भी आती है, ऐसे में बोन आती है ये भी इचिंग में इनको हेल्प करती है। ओके। इसको जब आएगा तो लकड़ी जूते चप्पल कुछ नहीं फाड़ेगा, इसी के अंदर वो लगा। समझ गया। ठीक है जी। हाँ ये लेना लू, ये बोल कुछ। अबे जा यार, तू नींद में ही रहता है, पूरे दिन सोता रहता है तू, तुझे और कोई काम नहीं है? अब फिलहाल ना मैं एक चीज करने वाला हूँ, ये लाइफ में पहली बार किसी पेट शॉप में आया होगा, तो मैं इसको छोड़ने वाला हूँ नीचे, और यहाँ पे ना फुल फीड से भरा हुआ है, ठीक है, जो पेडिग्री ये खाता है। तो अब देखता हूँ ये इसकी स्मेल रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं, और ये कहाँ कहाँ भागता है, और जहाँ जहाँ ये भागता है देखते हैं इसकी हरकतें रिकॉर्ड करते हैं थोड़ी सी, देखते हैं कि ये क्या करेगा, क्योंकि कभी लाइफ में ऐसी चीजें इसने कभी देखी नहीं। तो करें भाई ट्राई। ओए भाई हद है इसकी शैतानियों की ना, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो पाता हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ इसकी हरकतें देखा करो, क्या गंदी हरकतें करता है यार। चल जा। ये देखो ये देखो, ये अब ये इसका कट्टे को खा रहा है। अबे इसमें फीड है भाई, कट्टा नहीं खाना है, इसके अंदर की फीड खानी है, जितनी समझ नहीं है ना समझ, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे शैतान। तो भैया जैसे आप मुझे बता रहे थे इनकी कटिंग वगैरह का, तो क्या सीन है इनकी कटिंग वगैरह का? आप बता भैया, हम हमारे पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, कटिंग का, ग्रूमिंग का, नेल कट का, ईयर क्लीनिंग का, सब कुछ होता है। हम कटिंग जो होते हैं यहाँ पे भी करवा देते हैं, शॉप के ऊपर हमारे बनाया हुआ है पूरा। ठीक है ठीक है जी, पार्लर बनाया हुआ है पूरा डॉग का। ठीक है। और अगर घर पे किसी को करवानी हो तो होम फैसिलिटी भी हम दे देते हैं, कोई आ नहीं पाता, लेके आ नहीं पाता यहाँ पे दुकान पे, तो हम घर पे भी करवा देते हैं। ठीक है जी। प्लस हमारे पास बोर्डिंग की फैसिलिटी भी है, किसी को कहीं जाना हो दो दिन के लिए चार दिन के लिए, तो वो अपना डॉग यहाँ पे छोड़ के जा सकता है हमारे यहाँ पे। उसके कुछ चार्जेज होते हैं पर डे के, वो पे करने होते हैं, उसमें फूड सब हमारा इंक्लूड होता है। ठीक है जी। तो जैसे पपीज वगैरह जो होते हैं वो आप भी उसमें भी यू नो डील्स करते हैं, राइट? जी जी जी, हमारे पास हर पपी अवेलेबल होते हैं, मेरा खुद का कैनल भी है, मैं लैब्राडोर की ब्रीडिंग करता हूँ, बाकी okay, okay. जिसको जो भी पपी चाहिए होता है वो अवेलेबल करा देते हैं, दाएं बाएं कॉन्टैक्ट होते हैं उनसे अरेंज करा के हम दिलवा देते हैं। लैब्राडोर मेरी खुद की ब्रीडिंग होती है। ये आप भैया का कार्ड है, ठीक है, आप कार्ड देख लो अच्छे से, भैया के तीन नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं भैया पीछे, और लोग और ये फैसिलिटी अवेलेबल, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप स्क्रीनशॉट लेके यू नो लोकेशन का सारा कुछ, बाकी मैं गूगल मैप से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डाल दूंगा, आप यहाँ आ सकते हैं। तो अब भैया मेरा सारा सामान निकालते हैं हम एक एक करके, जो कि मैं अपने डॉग के लिए लेने आया हूँ। फिलहाल आप मुझे सारा सामान निकाल के दीजिए जो भी मैंने अपने यू नो ओरियो के लिए शॉपिंग किया, तो मैं ओरियो को एक बार उठा लेता हूँ। ओरियो भाई
तो अब ओरियो का सारा सामान जो है अब हम लेते हैं शॉपिंग का, ठीक है? तो भैया निकाल दीजिए करके। ये देखो सबसे पहले तो फूड आता है, फूड आता है इसका प्रॉपर स्टार्टर का फूड होता है पेडिग्री कंपनी। तो ये अब फिलहाल मैं ले रहा हूँ भी 3 kg का, ठीक है? इसको यहाँ रख देते हैं पर। और ये चिकन ग्रेवी होती है फूड को थोड़ा सा टेस्टी करने के लिए, ठीक है? जैसे डॉग कहीं बार खाने में दिक्कत करता है तो ये आप मिक्स कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है? तो ये अभी मैंने चिकन ग्रेवी लिया है इसके लिए, तो इसको खिलाएंगे आज, ठीक है? और ये ट्रेड्स होती हैं इसकी, मीट और जर्की के नाम से पेडिग्री कंपनी की, ट्रीट में आप यूज कर सकते हो। चलो अब ये ट्रीट हम इसको देंगे, ट्रीट भी हो गई, ठीक है भैया? और एक इसके ट्रीट में बिस्किट आता है, इसको भी डॉग बहुत लाइक करता है, अच्छे से खाता है इसको। खाएगा भाई? ओए बिल्कुल खाएगा। अब ये इसके लिए मैंने ट्रीट लिया है, ठीक है? अब ट्रीट्स इसको देंगे घर जाके, इसकी मौज ही मौज बंदी है। और ठीक है भैया, एक मल्टीविटामिन और कैल्शियम वो बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है? ये मल्टीविटामिन है प्रोविबूस्ट पेटकेयर कंपनी का, जी कैल्शियम होता है इसका, इसी का बोन के लिए जो मैंने आपको बताया था। चलो अब ये दो चीजें जो है आप, मैं जो चीज भैया सजेस्ट कर रहे हैं आप भी ये चीज सेम बाय कर सकते हैं अपने डॉग के लिए, पपी के लिए। ये रहा हिमालय कंपनी का फ्रेश कोट के नाम से आता है, बहुत अच्छा ड्राई बाथ है। तो ये ड्राई बाथ अब इसके आज से इसको ड्राई बाथ चलेगी। लास्ट टाइम बहुत कमेंट आए थे कि भाई इसको नहलाना नहीं, तो बट मेरी मजबूरी थी, वो मेरी गलती थी कि मैंने वीडियो में नहीं बताया कि एक बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था। हाँ, वो ड्राई बाथ करना, वो ड्राई बाथ नहलाना मत अभी इसको, ठीक है? चलो अब इसकी ड्राई बाथ चलेगी। आपको कोई भी सजेशन चाहिए आप इनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? रेट्स वगैरह के लिए, बट ज्यादा तंग मत कीजिएगा, स्पेशली मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनको, ठीक है? क्योंकि मेरा मोटिव यही था कि मैं अपने ओरियो के लिए शॉपिंग करके आऊं और इसका एक व्लॉग बना लूं, ताकि आप सबको पता लग सके कि मैं आप ओरियो को क्या डाइट दे रहा हूं, यू नो उसके लाइफ में क्या चल रहा है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंडिंग में भी घर जाके करूंगा और ओरियो को मैं जो चीज़ें लेके जा रहा हूं उसको खिलाते हैं, उसको टेस्ट कराते हैं, तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है। तो भैया अब एक चीज़ मुझे बताओ, जितने मेरे व्यूअर्स अगर आपके पास आते हैं तो उनको आप क्या डिस्काउंट देंगे? ठीक है भैया, जितने व्यूवर्स आपके आएंगे, आपकी वीडियो देख के आएंगे, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है मेरे पास। वो जो भी मेरे से शॉपिंग करेंगे, एनीथिंग कितने की भी करो, उसके साथ एक चू स्टिक का पैकेट फ्री होता है, 150 कॉस्ट होती है इसकी, वैरायटी होता है सर। मतलब आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स जो भी देख के आ रहे हैं उनको सिर्फ आपने नाम बताना कि आपने वीडियो देख के, तो आपको ये चू स्टिक आपको भैया की तरफ से मिलेगी। जी जी बिल्कुल। चलो थैंक यू भैया। A few moments later. So right now I'm back to home. और फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि ट्रीट टाइम हो जाए, एक जो ट्रीट्स मैं लेकर आया हूँ शिनचैन और ओरियो को देता हूँ। So let's see their reaction, को कैसा लगता है। बहुत टाइम बाद शिनचैन का ट्रीट मिल रही है और ओरियो को तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ये ट्रीट दे रहा हूँ। So let's try this. वैसे इस ट्रीट का कोई मतलब नहीं बनता, बट स्टिल मैं लेकर आया हूँ। So शिनचैन कैसे हो? लो भाई, शिनचैन ने अपनी ट्रीट ले लिया और अब शिनचैन बैठकर इस ट्रीट को आराम से, और ये स्टाइल है इस लड़के का, ये देखो ये स्टाइल है इस लड़के का। आप में से बहुत लोग मुझे यू नो डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई आप शिनचैन को इतना बांध के क्यों रखते हो हर टाइम हर वीडियो में। यार सीन क्या है, शिनचैन नाम से आप समझ सकते हो कितना शरारती है, और ये अंदर घर पे यार मतलब वॉशरूम मतलब फ्रेश हो जाता है घर के अंदर, और मैं वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको दोपहर के टाइम थोड़ा बाहर बांध देते हैं, और जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको मैं बांध के रखता हूँ वीडियो के टाइम, क्योंकि ये बहुत शरारती है और ये ओरियो को तंग करता है, तो इसलिए थोड़ा सा समझदार हो यार, मैं कभी प्रमोट नहीं करता किसी डॉग को बांध के रखो, ठीक है? तो अब देते हैं ओरियो को ट्रीट और देखते हैं ओरियो का क्या रिएक्शन है। ओरियो, तो भाई ओरियो, ओ भाई ओरियो को ट्रीट पसंद आई है लगता है। ओरियो 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 लो लो ओरियो, ओरियो को आई है ट्रीट पसंद, तो ये ले। अच्छा ले भाई, ले जा 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 ले 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 भाई, लो भाई। तो अब ओरियो को उसकी ट्रीट मिल चुकी है, एंजॉय ओरियो, वो भी कुन्ने में लेके जा रहा है बैठ के खाएगा आराम से। तो विद दैट करते हैं इस ब्लॉग का एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मस्त ब्लॉग्स मैं आपको लाता रहूंगा, ठीक है? और भी बहुत सारे टाइप के ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।